अलवर न्यूज के रिपोर्टर शक्ति सिंह के अनुसार श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मालाखेड़ा में श्री श्री 1008 श्री मुक्तेश्वर व उनकी सवारी नंदी की प्राण प्रतिष्ठा की। माया गोपाल मोक्ष धाम समिति मालाखेड़ा ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली से श्री मुक्तेश्वर व उनकी सवारी नंदी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, जिसमें मालाखेड़ा व आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर श्रम मंत्री ने कहा कि जब व्यक्ति अपने मन में कुछ करने की ठान लेता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, जिसका उदाहरण यहाँ के भामाशाहों व युवा वर्ग में देखने को मिला है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो मोक्ष माया समिति के द्वारा मालाखेड़ा मोक्ष धाम का जो जीर्णोद्वार कराया गया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। इसमें भामाशाहों का सहयोग रहा है, काफ़ी गांव के जो युवा साथी हैं, समिति है, उनका सहयोग रहा है। ये अपने आप में एक और लोगों के लिए उदाहरण है कि आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज यहाँ हम आते हैं तो एकदम जो है ना, दिल को सुकून मिलता है, आत्मा को एक प्रकार से शांति मिलती है कि हाँ, ये वो जगह है जहाँ हमें अंत में आना है। और उस जगह पे आज भी मैं देखता हूँ, उन लोगों को कहना चाहूँगा वो लोग आके मालाखेड़ा का उदाहरण लें। जो लोग शमशान, कब्रिस्तान ऐसी जगह पे अतिक्रमण करते हैं, जहाँ व्यक्ति को लास्ट में जाना है, उनको कब जाने की कोशिश करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा एक बार मालाखेड़ा आके देखें कि किस प्रकार से मोक्ष धाम को रूप दे सकते हैं। और जहाँ और भी ज़रूरत है, मैंने हर संभव मदद का विश्वास दिलाया है, रास्ते के लिए, पानी की मोटर के लिए, और यहाँ पे और फलदार वृक्ष लगवाने के लिए। इसके अलावा भी समिति आगे भविष्य में और भी कोई काम बताएगी तो निश्चित तौर पर वो काम भी कराएंगे, और लोग भी इससे प्रेरणा लें और अपने अपने जो गांव के जो मोक्ष धाम है उनको मॉडल मोक्ष धाम बनाने का प्रयास करें।